वाशिमच्या कारंजा मानोरा विधानसभा मतदारसंघातील राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाचे उमेदवार ज्ञायक पाटणी यांची नुकतीच वाशिमच्या कारंजा तालुक्यातील कामरगावमध्ये प्रचार रॅली काढण्यात आली. प्रचार रॅली दरम्यान राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाचे उमेदवार ज्ञायक पाटणे यांनी कामरगाव येथील मतदारांसोबत संवाद साधून त्यांची भेट घेतली. कामरगाव येथील कार्यकर्त्यांनी ज्ञायक पाटणी यांचे मोठ्या जल्लोषात स्वागत करून त्यांना शाल आणि श्रीफळ देऊन सत्कार सन्मान करण्यात आला. यावेळी अनेक कार्यकर्त्यांचा सहभाग होता. काफी बड़ी संख्या में आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, इसलिए आप सभी का सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद. 20 तारीख को विधानसभा के चुनाव है और आप सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव वो चुनाव है जिसके ऊपर हमारे इस मतदार संघ के आने वाले विकास की रूपरेखा निश्चित होगी. आने वाले समय में इस मतदार संघ में कितना विकास होगा ये इस विधानसभा चुनाव में ठहरेगा, क्योंकि अच्छे व्यक्ति को अगर हम यहाँ चुनेंगे तो मुझे विश्वास है कि आने वाले विधानसभा में वो व्यक्ति वहाँ पर जाकर हमारे क्षेत्र की बात करेगा, हमारे सभी समाजों के न्याय के लिए वहाँ लड़ेगा और सभी को साथ में लेकर इस मतदार संघ में इस चुनाव क्षेत्र में विकास करने का काम होगा. मैं महाविकास आघाड़ी का अधिकृत उम्मीदवार यहाँ पर हूँ और पहले क्रमांक के बटन को यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के समर्थन के लिए दबाना है. तुतारी है हमारा चिन्ह है. जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें हम सभी ने यहाँ पर देखा कि काश्तकार हो या अन्य समाज हो, वो महायुति के सरकार से, बीजेपी के सरकार से काफ़ी नाराज थे. महाराष्ट्र में सभी समाज यहाँ एक हुए, किसान यहाँ एक हुए और लोकसभा में हमने देखा कि 48 में से 36 जगह पर महाविकास आघाड़ी की जीत हुई, बीजेपी और महायुति यहाँ हार गई. आज लोकसभा से भी अच्छी परिस्थिति इस मतदार संघ में हम यहाँ अनुभव कर रहे हैं. सभी समाज यहाँ विकास के नाम पर एक आ रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके पास जितने वोट उनको जीतने के लिए चाहिए वो नहीं है. और वो भी जानते हैं कि अगर महाविकास आघाड़ी और महायुति में सीधी लड़ाई हो गई तो यहाँ महायुति का कोई चांस नहीं है. उन्हें यहाँ पर हार के अलावा और कुछ का सामना नहीं करना पड़ेगा. उसी के तहत आप और हम सभी जानते हैं कि बीजेपी ने, महायुति ने यहाँ काफी सारे उम्मीदवारों को खड़ा करने का प्रयास किया जो यहाँ खड़े होकर महाविकास आघाड़ी के वोट बांट सके. अब जब यहाँ महायुति को पता है, बीजेपी को पता है कि मतदार हमें वोट देने के लिए तैयार ही नहीं है, तो जो उनका प्रमुख प्रतिस्पर्धी है जो यहाँ उन्हें हरा सकता है, महाविकास आघाड़ी, उन्हें भी वो वोट ना मिले और उनके वोटों में बंटवारा हो जाए, ये यहाँ पर इस मतदार संघ में रणनीति करने की कोशिश की गई है. आप सभी जानते हैं कि कुछ ऐसे उम्मीदवार जो खुद भी जानते हैं कि वो यहाँ नहीं जीतेंगे, जो खुद भी जानते हैं कि वो चौथे पांचवे नंबर पे जाने वाले हैं और उनका यहाँ कोई चुनाव में चांस नहीं है, वो भी खड़े रहकर पैसे खर्च कर रहे हैं, खड़े रहकर चुनाव लड़ने की बात करते हैं. किसी एक पार्टी की टिकट लेके आते हैं और चुनाव की रणनीति, चुनाव के मैदान में उतर जाते हैं. तो आप और मैं यहाँ समझदार हो चुके हैं, यहाँ सभी जानते हैं कि ऐसे उम्मीदवारों को यहाँ किसने खड़ा किया है. अगर वो यहाँ खर्च भी कर रहे हैं तो उनका खर्च कौन उठा रहा है? क्योंकि आप मुझे एक बात बताइए, कोई भी उम्मीदवार जिसे पता हो कि मैं पक्का हारने वाला हूँ, मेरा यहाँ कोई जीतने का चांस ही नहीं है, वो खुद के जेब से ज्यादा पैसा क्यों खर्च करेगा? कोई नहीं करेगा. तो
ये जो हमारे चुनाव क्षेत्र में किसी का प्रयास है, मुझे विश्वास है कि लोकसभा की तरफ सभी साथ में रहकर ये जो षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, महायुति का, कि वोट बढ़ जाए, समाजों में यहाँ लड़ाई हो जाए, उसे हम यहाँ बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे, नाकाम करके रहेंगे। महान्यूज 7 करीता ब्यूरो रिपोर्ट। इस शादी सीजन तैयार हो जाइए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए। कैसे? सचिन लाइफस्टाइल के बेहतरीन कपड़ों के साथ। जी हाँ, सचिन लाइफस्टाइल में लेडीज वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर सभी सेक्शन के लिए कपड़े अवेलेबल हैं। और साथ ही में इस शादी की शॉपिंग को पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए सचिन लाइफस्टाइल लेकर आए हैं आपके लिए फ्लैट 15% का ऑफ। तो अभी आइए और अपनी शादी की शॉपिंग सचिन लाइफस्टाइल से करके जाइए। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोडी रोड, रामानगर, नागपुर।